अरे यार तरीका है यार सम्माननीय अजय पटेल जी, तुम्हें क्षत्रिय महासभा के जिले के अध्यक्ष सम्माननीय राजेंद्र जी, मेरे मित्र और पार्टी के वरिष्ठ नेता छतरपुर से पधारे सम्माननीय डॉक्टर घासीराम पटेल जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष और ओजस्वी वक्ता सम्माननीय दर्शन सिंह जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष सम्माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा, युवा मोर्चे के अध्यक्ष सम्माननीय वैभव पवार जी, इस सेक्टर के प्रभारी भाई विजय पटेल जी, एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जिले के सम्माननीय हरिशंकर चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व मंत्री सम्माननीय रामकृष्ण घुसपुरिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष उस कार्यक्रम में मेहनत करने वाले सम्माननीय शिवचरण पटेल जी, पूर्व विधायक सम्माननीय लखन पटेल जी, सुखनंदन जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, गोपाल पटेल जी, लक्ष्मण ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्माननीय बनवानी पटेल जी, मंच पर काशीराम जी पटेल जी सरपंच। एक तो मौसम की तपन है और फिर दूसरी चुनाव की तपन, और मैं सामान्यतः अपने चुनाव में भी कम बात करने का आदी हूं, और राजनीति को जोड़ते जोड़ तोड़ से दूर रखने का आदी। पहली बार मेरे सामने इस जगह में चुनाव हो रहा है, लेकिन मैं महाराज की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूँ कि महाराज एक बार 1951 में चुनाव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बनना थे, तब भी एक बार ऐसी कोशिश हुई थी। मुझे लगता है कि ये चर्चा चुनाव की सिर्फ वोट की चर्चा नहीं है, ये हमारे राजनीतिक विवेक, हमारी अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता और आने वाले इस परिणाम के बाद के भविष्य के बारे में हमें सोचना होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं, 7 वर्ष से मैं आपका सांसद हूं, अगर मैं कोई अपनी सफलता गिनाऊंगा तो मैं बांध की सफलता नहीं गिनाऊंगा, मैं पैसे नहीं गिनाऊंगा कि कितने हजार करोड़ मैंने आपके लाकर दिए, अगर मैं गिनाऊंगा तो मैं अपनी अगर सफलता मानता हूं तो मेरी सफलता ये है कि जो छोटे चुनाव में जाति कट्टरता पैदा की जाती थी उसको रोकने में अगर कोई सफल हुआ है तो उसका नाम प्रहलाद पटेल है। मैं अगर अपनी सफलता बताऊंगा तो कहूंगा इस जिले में फर्जी पकड़ भी रखते थे, मेरे आने के बाद मंच पर बैठा व्यक्ति हो या सामने बैठा हुआ व्यक्ति हो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि फर्जी मुकदमे की परंपरा इस जिले से समाप्त हो गई है। मेरी सफलता अगर कोई मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा कि आप जातिगत लोगों को लाइसेंस नहीं मिलते थे बंदूकों के, वो तमाम मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, उनके नेता मंच पर बैठे मेरे सांसद बनने के बाद उनको भी बंदूक का लाइसेंस का हक बहुत मुश्किल प्राप्त हुआ, ये सच्चाई है। आज आपके मन में ये दुविधाएं पैदा की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये कोई चुनाव जीत जाएगा तो दूसरे का भविष्य खत्म हो जाएगा, वे तो किसी का भविष्य किसी के जीतने हारने से खत्म नहीं होता। अगर भविष्य खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी के परिणाम से होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का परिणाम विपरीत जाएगा तो क्षेत्र का भी होगा और कुछ व्यक्तियों का भी भविष्य खत्म होगा। ये बात आप मानते हो, ये बात कहने में कड़वी लगेगी, सुनने में भी कड़वी लगेगी, लेकिन हमको तय करना पड़ेगा। विकास की चर्चा नहीं, विचार की चर्चा नहीं, छल और कपट की चर्चा होगी, प्रपंच की चर्चा होगी। मुझे लगता है अगर हिम्मत है तो सामने बात करनी चाहिए, लेकिन पीठ पर वार करना बहादुरी नहीं है, अगर है तो दो हाथ होना चाहिए। मेरे जैसा आदमी जो खुलेआम अपने चुनाव में कहता है कि मैं पीने वाले का, पिलाने वाले का, बेचने वाले का, बनाने वाले का सबका विरोधी हूं, मैं स्वयं का दुश्मन हूं, मुझ देश से दुश्मनी रखने का कोई कारण नहीं। जो लोग ये बात कहते हैं उस 91 के चुनाव की मैं चर्चा कर रहा था, उस समय पर्चे बटे थे,
ये कुर्मी बन के यज्ञ अपनी आहुति दीजिए, कहिए सच्चाई नहीं है। आज पर्चे नहीं बटे हैं लेकिन बातें तो बट रही हैं, ये बात तो सच है। कितने दिन आपने राज किया, कितने दिन तक आप जनप्रतिनिधि हैं? हमारी बात उंगलियों पर गिनने वाले नेता है। हमारा सौभाग्य कि आदरणीय सिंधिया जी आज हमारे नेता है और समय है हमारे पास, जब देश की राजनीति इस पर टिकेगी, दिशा पर बैठेगी, तो समय का इंतजार करिए। मैं उदाहरण देता हूं, कृष्ण पैदा हुए थे तो उनके मारने के भरसक प्रश्न हुए थे, तो किस रूप में आया था छल? भ्रम किस रूप में आया था? पुत्रा के रूप में आया। बहुत सारी पुत्राएं इस चुनाव में काम कर रही हैं, वो बनकर मां बनकर आई हैं, लेकिन मारने के लिए आई है वो मां नहीं हो सकते हैं, वो मारने के लिए आई। ये जातियों का जहर, इसे रोकना होगा। इसलिए की राजनीति में अगर कभी विध्वंस हुआ है और नेतृत्व तो अगर पैदा नहीं होने दिया, इसी विद्वेष का परिणाम है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। मेरा कोई बेटा, मेरा कोई परिवार का आदमी यहां चुनाव लड़ने वाला नहीं है। राजनीति की बिसातें बिछाने वाले लोगों का समय खत्म हो गया। मैं हनुमान जी को साक्षी मानकर कह रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखना, ये संभव नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव कसौटी पर कसा जाना चाहिए, विकास की कसौटी पर कसिए। हमने कोई गलती की है तो जरूर सजा दीजिए, लेकिन प्रहलाद पटेल को उसकी सजा राहुल सिंह को नहीं मिलनी चाहिए। अगर वास्तव में विकास का लाभ किसी को मिलना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को मिलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। ये चुनाव राहुल सिंह नहीं कर रहे हैं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जब आपने 2018 में जयंत बलेजा को चुनाव हराया था तो फिर क्यों हराया था? जो इसका कोई जवाब नहीं, कौन जिम्मेदार था? और मुझे लगता है कि ये चीजें हमें सोचनी होगी। उसके बाद में 1.5 साल के बाद जब आप परेशान हुए तो उसके बाद में एक अवसर जनता ने तो हरा दिया था। अगर महाराज ज्योतिराज सिंधिया फैसला ना करते तो आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती और आपकी वही हालत होती जो 1.5 साल आपने अपने आप को भुगता है। क्या सच्चाई नहीं है? कौन गुमराह कर रहा है? अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो 5 साल विधायक रहते कि नहीं रहते? आप हटा सकते थे क्या सरकार बनाने के बाद में? नहीं हटा सकते। मुझे लगता है कि अगर विकास को रोकने का काम करना है तो मुझे लगता है रणजाल में पड़ना चाहिए। मित्रों, में धार्मिक और आध्यात्मिक आदमी हूं, ठेठ लेने का आदि हूं। कोई साधक अपनी साधना कभी किसी को नहीं देता, लेकिन ये मतदाता है, एक पार्टी का कार्यकर्ता है जो अपनी तपस्या वोट के रूप में और सहयोग के रूप में पार्टी को समर्पित कर देता है। ये सच्चाई है। कोई साधक कभी अपनी तपस्या नहीं देता, लेकिन एक मतदाता, एक कार्यकर्ता अपना वोट और अपना समर्थन और अपनी तपस्या भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर लोगों का भाग्य बना देता है। ये सच्चाई है। आज मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, वो उसी कार्यकर्ता की बल पर बने, उसी मतदाता की सामर्थ्य बने। इसलिए हम कहते हैं कि बड़ा आदमी कौन? तो बड़ा आदमी है वो मतदाता है। हम उससे बड़े काम को मानते हैं अंजाम देने वाले को, तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए समर्पित होती है। वो कहती है कि मंत्री बाद में, सांसद बाद में, विधायक बाद में, कार्यकर्ता हम पहले। मित्रों, में बंगाल के चुनाव का भी प्रभारी हूं। मैं लगातार पिछले 4 महीने से बंगाल जा रहा हूं। बंगाल में हमारे कुल 3 ही MLA, 150 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए। अभी उत्तर बंगाल में जो हत्या हुई है, जिस पर जब पूरी टीवी पर चल रहा है, उन 4 लोगों की चर्चा हो रही है जो अल्पसंख्यक मारे गए, लेकिन उन 4 लोगों के पहले हमारे कार्यकर्ता मारा आनंद में बर्मन, उसकी चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है उसके बाद भी मैं उन कार्यकर्ता को नमन करता हूं कि बाजू में गोली चल रही है लेकिन वो बूथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूं कि वहां पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मित्रों, वो भी तो कार्यकर्ता है, कोई आस नहीं दिखती, कोई आस नहीं दिखती थी तब भी वो भारतीय का झंडा लेकर आगे चलते थे। और किसी की माँ को इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। कार्यकर्ता इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का काम करता है। चुनाव जीतना तो छोड़ दीजिए, ये हालत थी। लेकिन जब जनमत पलटता है और कहीं ना कहीं विचार के साथ लोग खड़े होते हैं,
तो विजय भी मिलती है, विश्वास भी मिलता है और विकास भी मिलता है। मैं आपसे वही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि एक बात इस मलाल को दूर करिए। कहीं ना कहीं बांट कर एक एकड़ को मारने की तैयारी है। बामुश्किल समझे थे, क्यों नुकसान अपने हाथ से अपना अपनी गर्दन काटने का कर रहे हो? ये गलती मत करो। ये बात मैं कह रहा हूं, लोग मुझ पर आरोप लगाते कि मैंने लोगों की राजनीति खत्म कर दी। मैं कहता हूं, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, मैंने जीवन में षड्यंत्र की राजनीति नहीं की, बहादुरी के साथ, साहस के साथ सत्ता की राजनीति की। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपसे विनती करता हूं, ऐसी गलती मत करिए। हमारे तमाम नेता दंडात एक होकर रहे। मैं बड्डा से पूछ रहा था, क्यों बड्डा के लड़के पर 300 करोड़ लगा था, तब क्या हुआ? उस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा था। अगर मैं व्यापारी होता तो बड्डा के का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूं। मैं अपने कार्यकर्ता के साथ जीता हूं और अपने कार्यकर्ता के साथ मरता हूं। तो मैंने कहा था कि मैं बड्डा के साथ हूं। चुनाव के परिणाम इस आधार पर बदल लेने चाहिए, लेकिन कौन जिम्मेदार है प्रकरण में फंसाने का? कभी इसका विचार किया? आज वही पूतना बनकर हमारा सर्वनाश करने वाले, तेरी सच्चाई नहीं है, ये नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि साहब यहाँ फला जाति का चल रहा है, जिला तक पीतन जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमने तो कहा था गोपाल पटेल बनने चाहिए, क्यों नहीं बने? जरा उनसे पूछिए, जो काम में ये बात कहते हैं कि लोधी बात चल रहा है, जरा उनसे पूछिए कौन जिम्मेदार है गोपाल पटेल को अध्यक्ष नहीं बनने देने वाला। ऐसे में 10 प्रकरण गिना सकता हूं। और स्थिति में इस अवसर पर यह कहूंगा, ये मतदाताओं की सभा महाराज नहीं है, ये वास्तव में की वोटर से जो बैठे हुए, ये सच्चाई है कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं, ये परिवर्तन ये आज तक कर लेंगे तो बूथ की ताकत नहीं है कि हार जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं जीता हूं, लगातार मुझे आशीर्वाद दिया गया है। लेकिन ये भ्रम, ये काली रात छटनी चाहिए। मैं अटल जी के इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और अंधेरा छाटने का काम एक बार आप जोड़कर विनती करता हूं, मेरी बात गलत लगी हो तो मुझे क्षमा मत करना, लेकिन मैं विनती करता हूं आज नहीं कल आपको मेरी बात सच लगेगी, आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारा जो पिछड़ापन है, ये पिछड़ापन सिर्फ पैसों का पिछड़ापन नहीं है। हम पैसे से तो समृद्ध हो गए हैं, लेकिन हम दूर तक देखने की भी कोशिश करें, अपने आने वाले बच्चों की भविष्य की भी चिंता करें, तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा। चुनाव का जो रणधन है, खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में आर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी जोड़ एवं स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौरसिया, MBBS, DNB, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर मध्य प्रदेश। उपचार सुविधाएं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, हड्डी एवं जोड़ के फ्रैक्चर, आधुनिक पद्धति से उपचार, गठियावाद, अर्थराइटिस, साइटिका एवं रीढ़ की हड्डी का उपचार, घुटना कमर दर्द, हाथ पैर जकड़न एवं जन्मजात पैरों के टेढ़ेपन के उपचार के लिए हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जानकी मेडिकल यूनियन बैंक के बाजू में राय चौराहा दमोह में उपलब्ध रहेंगे। खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर दमोह में पंचकर्म एवं बवासीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार पटेल, MD आयुष, जिला चिकित्सालय दमोह। उपचार सुविधाएं, भगंदर, फिशर, त्वचा रोग, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, मोटापा, थायराइड, बात रोग, गुप्त रोग एवं बवासीर का आयुर्वेद पद्धति से इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धा मेडिकल, मानस भवन, सरकारी अस्पताल के पास, दमोह, मध्य प्रदेश।